हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन। पिछले वीडियो में मैंने आपको 2018 टू 19 का सैम्पल पेपर अवेलेबल कराया था, हिंदी ए और हिंदी बी का। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आई होगी सॉल्व करने में, क्योंकि हिंदी हम बोल तो लेते हैं, हिंदी हम सुन लेते हैं, हमें लगता है कि हाँ हिंदी इतना ही है, लेकिन हिंदी एक्चुअली इतना है नहीं। हिंदी का जो व्याकरण है वो बहुत ही व्यापक है, एक तरीके से हम बोले तो बहुत ही एक समुद्र है हिंदी। तो जब हमारे सामने प्रश्न पत्र आता है एग्ज़ाम में, अगर हम अंग्रेज़ी में कहें, इंग्लिश में कहें, तो जब क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में हमारे सामने आता है, तो हम सकते में आ जाते हैं कि हम क्या आंसर करें, क्या उत्तर लिखें। जो हमारे टेक्स्ट बुक से है वो तो हम कर देते हैं, थोड़े बहुत गद्यांश और काव्यांश भी कर देते हैं, दैट मीन्स पैसेज भी कर देते हैं, लेकिन जब ग्रामर की बात आती है, हिंदी व्याकरण की बात आती है, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें सबसे ज़रूरी बात जो हमें करना है वो करना है कि हमें हिंदी व्याकरण पे ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं, जो आपके सिलेबस में है आपको उसी पे ध्यान देना है, संधि विच्छेद, समास विग्रह, इन सब चीज़ों पे आपको रस पे, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। आज के इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कुछ बुक्स के बारे में, जो बुक्स अगर आपने ऑलरेडी परचेस कर लिया है और आप उन बुक्स से प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वो परचेस कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा महंगा बुक नहीं है और ये बुक जो है आपको हिंदी के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा योगदान देगा, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो ये बुक्स आप लीजिए और इससे प्रिपरेशन कीजिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बोल रहा हूँ बुक्स परचेज़ कीजिए, परचेज़ कीजिए, परचेज़ कीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो मैं बुक्स, जिस बुक्स के बारे में आपको बताऊँगा, उन्होंने मेरे को पैसा दिया है और मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने प्रिपरेशन किया था जब मैं 10th में था, मेरे भाई बहन जो भी 10th में हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बाकी जो भी मेरे दोस्त हैं जिनसे भी मैं मिलता हूँ, मैं जिनको भी थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ, उन सबको जो बुक मैंने रेकमेंड करी है वही बुक मैं आपको बोलूँगा लेने के लिए। तो ये बिल्कुल ही पेड वीडियो नहीं है, ठीक है, मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। सबसे पहली बुक जो है मैं बात करूँगा, एग्ज़ाम आइडिया हिंदी ए, किसकी? एग्ज़ाम आइडिया हिंदी ए, आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, एग्ज़ाम आइडिया का ये बुक आता है, लगभग 20+ इसमें प्रैक्टिस पेपर्स आपको होते हैं। इसका प्राइस है 99 रुपीज़। अमेज़न पे ये बुक अवेलेबल है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो आप उस लिंक से जा कर के परचेज़ कर सकते हो आराम से। और जैसा कि मैंने बताया 20+ प्रैक्टिस पेपर्स है इसमें, और किस तरीके से ये डिवाइडेड है वो भी मैं आपको एक बार बता दूं। इसमें जो है सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है 2018-19 का, जो सीबीएसई ने अपलोड किया है अपने वेबसाइट पे, उसका पूरा पूरा सॉल्यूशन आपको इस बुक में मिल जाएगा। सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018 टू 19 का जो सैम्पल पेपर है वो सॉल्व आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर जो 2018 में आया था, 2018 के एग्ज़ाम में जो पेपर पूछा गया था हिंदी ए का, वो भी आपको सॉल्व मिल जाएगा इस बुक में। उसके अलावा सीबीएसई एग्जामिनेशन जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हुए थे 2018 का, जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी सॉल्व पेपर आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा एक से लेकर के 10 जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो इसमें सॉल्व है आपको दिए हुए, और उसके अलावा एक से लेकर के 10 जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो अनसॉल्व है। तो क्या क्या मैंने बताया, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018-19 का जो अपलोड किया है सीबीएसई ने वो सॉल्व मिल जाएगा आपको, उसके अलावा सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2018 आपको मिल जाएगा सॉल्व, कंपार्टमेंटल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएगा पिछले साल का, एक से लेकर के 10 तक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व मिल जाएंगे, और एक से लेकर के 10 तक अनसॉल्व दिए गए हैं, ताकि आपने जो भी सॉल्व से मदद ली, जो भी आपने पढ़ाई करी, उसको आप अपने ऊपर प्रैक्टिस कर सको और देख सको कि आपको क्या क्या समझ में आया और आप कितना आपका प्रिपरेशन हो चुका है। अगली जो बुक है ये तो रही हिंदी ए की बात एग्ज़ाम आइडिया की, उसके बाद जो अगली बुक है वो है हिंदी बी, एग्ज़ाम आइडिया की ही बुक है हिंदी बी, सेम पैटर्न है,
जैसा कि हिंदी ए में था, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2018-19 मिल जाएगा सॉल्व, सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2018 सॉल्व मिल जाएगा, सीबीएसई कंपार्टमेंटल एग्जाम 2018 सॉल्व मिल जाएगा, 1 to 10 प्रैक्टिस पेपर्स आपको सॉल्व मिल जाएंगे और 1 to 10 प्रैक्टिस पेपर्स आपको अनसॉल्व मिल जाएंगे। तो ये रही हिंदी बी, पहले बुक थी हिंदी ए और ये हिंदी बी दोनों एग्जाम आइडिया की। पहले का जो प्राइस था वो था 99 रुपीज़ हिंदी ए की, और हिंदी बी की जो प्राइस है वो 110 है अमेजोन पे। इन जितनी भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ सबका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके सीधा परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, जो अगला बुक है वो हम बात करेंगे ओसवाल की, ओसवाल सीबीएसई सैम्पल पेपर हिंदी ए। जो हमने पहले दो बुक्स देखे हिंदी ए एंड बी, वो दोनों थे एग्जाम आइडिया के, और ये है आपका ओसवाल सीबीएसई सैम्पल पेपर हिंदी ए। इसका प्राइस है 148 रुपीज़, ठीक है। इसमें भी सेम पैटर्न है, इसमें भी आपको पिछले साल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा 1 to 5 सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, 6 to 10 सेल्फ असेसमेंट मिलेगा जिसको आपको खुद से करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें कुछ टिप्स भी दिए गए हैं कि किस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो हिंदी का। उसके अलावा इसमें ग्रामर चार्ट्स भी हैं, ठीक है, और पीरियोडिक टेस्ट भी इसमें शामिल किया गया है ताकि आप खुद को असेस कर सको कि आप कहाँ, आपका प्रिपरेशन कितना हो चुका है, ठीक है। तो ये सीबीएसई सैम्पल पेपर है ओसवाल का हिंदी ए के लिए, इसका प्राइस है 148 अमेजोन पे। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, और ये जो है ये लास्ट बुक है, मैं दो ही बताऊंगा आपको, ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। एक तो एग्जाम आइडिया और दूसरा ओसवाल का। तो एग्जाम आइडिया मैं बता चुका हूँ, ओसवाल हिंदी ए हम देख चुके हैं, ओसवाल हिंदी बी है, इसका प्राइस है 109 रुपीज़। सीबीएसई सैम्पल पेपर, इसमें भी सेम पैटर्न है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे सॉल्व, अनसॉल्व भी कुछ प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलेंगे खुद से करने के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए, ठीक है, और ग्रामर चार्ट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो 2019 के एग्ज़ाम के लिए ये जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, ये जो सैम्पल पेपर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। चलिए आप तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो तैयारी है उसमें ये चार चांद लगा देंगे एक तरीके से हम बोले तो। जैसे आग में घी डालने से आग और ज़्यादा धधक उठता है, उसी तरीके से आपका जो तैयारी है, आपका जो प्रिपरेशन है, वो और ज़्यादा निखर के सामने आएगा। तो आप, अगर आपने एग्ज़ाम आइडिया का बुक पहले से ख़रीद रखा है तो आप ओसवाल का ले लीजिए, और ओसवाल का ख़रीद रखा है तो एग्ज़ाम आइडिया का ले लीजिए। देखिए, जितना आप स्टडी करोगे, जितने अलग अलग जगहों से आप पढ़ोगे, ऐसा तो है नहीं कि बेकार जाएगा। तो जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड जो है वो ब्रॉड होता जाएगा, आपको पता, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा लिखना है और अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो आपको सैम्पल पेपर जो 2018-19 का सीबीएसई बोर्ड ने अपलोड किया है, और जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये दोनों बुक में से हिंदी ए और बी, ये तो दोनों लेना ही है, इन दोनों ब्रांड में से एग्ज़ाम आइडिया या ओसवाल में से कुछ भी ले सकते हो। ओसवाल थोड़ा सा महंगा है, एग्ज़ाम आइडिया थोड़ा सस्ता है, तो आप कोई भी ले सकते हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एग्ज़ाम आइडिया भी बहुत सही है, कोई बुराई नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सही है और ये सही नहीं है। तो दोनों में से आपकी मर्ज़ी है, आप ले लीजिए। जो भी लिंक है अमेजोन का पे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप उस लिंक के थ्रू जाइए और परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लेसन में बस इतना ही, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, आपको मदद करेगा, और आपकी जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न रही होगी कि कौन सी बुक ले कौन सी बुक नहीं ले प्रिपरेशन के लिए, तो वो क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑफ कोर्स इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो थैंक यू वेरी मच।